तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक क्लास के 15 स्टूडेंट्स की एज दी गई है। अब हमें गिवन है कि एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, जिसके सेलेक्ट होने के चांसेस बाकी स्टूडेंट्स के इक्वल हैं, एंड इसकी एज को एक्स से डिनोट किया जाता है। तब एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है कि क्लास के 15 स्टूडेंट्स में से किसी भी स्टूडेंट के सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल और सेम हैं। अब हमें इन 15 स्टूडेंट्स की एजेज कुछ इस प्रकार से गिवन है। अब यदि इस इंफॉर्मेशन का यूज करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, तो यह हमें कुछ इस प्रकार की मिलेगी, जिसमें हमने पर्टिकुलर एज के करेस्पोंडिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। इसके लिए हम प्रत्येक एक्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 14 होने की प्रोबेबिलिटी 2/15 के इक्वल होगी, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स की एज 14 है। इसी प्रकार एक्स की बाकी सभी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तब हमें एक्स इज इक्वल टू 15 होने की प्रोबेबिलिटी 1/15 के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 16 होने की प्रोबेबिलिटी 2/15 के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 17 होने की प्रोबेबिलिटी 3/15 के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 18 होने की प्रोबेबिलिटी 1/15, एक्स इज इक्वल टू 19 होने की प्रोबेबिलिटी 2/15, एक्स इज इक्वल टू 20 होने की प्रोबेबिलिटी 3/15 एंड एक्स इज इक्वल टू 21 होने की प्रोबेबिलिटी 1/15 के इक्वल मिलेगी। अब जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं, इनसे यदि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, तो यह हमें कुछ इस तरह की मिलेगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिल चुकी है, जिसका यूज करके हम एक्स के लिए मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि मीन का यह फॉर्मूला होता है, सो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ई ऑफ एक्स यानी कि मीन की वैल्यू 17.53 के इक्वल मिलेगी। अब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, जिसको फाइंड करने का फॉर्मूला यह होता है। अब हम यहां देखें तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एंड वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें यह इक्वेशन मिलेगी, एंड इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 312.2 के इक्वल मिलेगी। अब हमें ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, इसका मतलब हम वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हम ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, तो हमें वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू 4.78 के इक्वल मिलेगी। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि जो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू है 4.78, वो एग्जैक्ट 4.78 नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब हम आगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, एंड इसे फाइंड करने का फॉर्मूला यह होता है। अब इसमें हम वेरिएंस की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.19 के इक्वल मिलेगी। आई होप आप सभी को मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।